आगे की घोषणा मत करवाओ, फोर्स जो घर पर जा रही है उनको हटा दो, नहीं तो घर से वापसी नहीं आएंगे जाने के बाद में। हम 11 बजे तक पूरी फोर्स हट जानी चाहिए। पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन को बड़ी चुनौती दी है। टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने उनके सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के घरों पर फोर्स लगा रखी है। प्रशासन या तो सुबह 10 बजे तक फोर्स हटा ले, नहीं तो हम दिल्ली गाड़ी से नहीं बल्कि ट्रैक्टर से जाएंगे और जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक वापस नहीं आएंगे। वहीं टिकैत की इस चुनौती के बाद पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। क्या कुछ बोल रहे हैं जरा आप भी सुन लीजिए। कल का दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, प्रशासन ने सारे कार्यकर्ताओं के घरों पे, पदाधिकारियों के घरों पे फोर्स लगा रखी है। या तो 10 बजे तक फोर्स हटा ले, अभी हमारा एक दिन का प्रोग्राम है, गाड़ी से जाएंगे, हमारा कल का प्रोग्राम है। अगर 10 बजे तक किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पे फोर्स नहीं तो ट्रैक्टर से जाएंगे, याद रख लेना। अभी एक दिन का प्रोग्राम है, अगर ट्रैक्टर निकलेंगे फिर जिस कार्यकर्ता घर पे भी फोर्स है उसके घर से ट्रैक्टर निकलेगा, गांव वालों की जिम्मेदारी है। अगर 10 बजे तक फोर्स रही तो हम 11 बजे फिर लाइव होगा, ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे, उसका रिजल्ट जो होगा, क्योंकि आज मरना है या कल मरना है ये बीजेपी वालों की दी हुई जिंदगी नहीं है, ना ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आदमी है कि आप उनको रोकने की कोशिश करोगे। कार्यकर्ता निकलेगा, 11 बजे लाइव होगा, अगर किसी के वहां पे भी फोर्स रही तो ट्रैक्टर से किसान निकलेगा और वो फिर एक दिन के लिए ही नहीं निकलेगा। हम फिर कह रहे हैं कि हम 13 महीने में आए थे वहां से वापसी, अगर कल ट्रैक्टर लेकर निकला तो जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा वहां से वापसी नहीं आएंगे। और जिस कार्यकर्ताओं को डर लगता हो अपना इस्तीफा दे देना, उन पुलिस वालों के डर से अपने घर पर रहना, काम सरकार को करना नहीं। बिजली मुख्यमंत्री फ्री देने की बात करता है, लोग के बिल आ रहे हैं, ये आज नहीं तो कल होगा। आगे की घोषणा मत करवाओ, फोर्स जो घर पर जा रही है उनको हटा दो, नहीं तो घर से वापसी नहीं आएंगे जाने के बाद में। हम 11 बजे तक पूरी फोर्स हट जानी चाहिए। कार्यकर्ता तैयारी पर रहे अपनी, जो दिल्ली पुलिस रोकेगी हम उनसे बातचीत करेंगे, उत्तर प्रदेश ज्यादा पंगेबाजी में मत पड़े। हम नहीं कुछ कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसान संगठन के लोग डर गए। बता दें राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, प्रशासन ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के घरों पर फोर्स लगा रखी है, प्रशासन या तो सुबह 10 बजे तक फोर्स हटा ले, अभी हमारा एक दिन का प्रोग्राम है, गाड़ी से जाएंगे, अगर सुबह 10 बजे तक किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के घर पर फोर्स लगी रही या उसे कोई चोट आई तो हम दिल्ली गाड़ी से नहीं बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएंगे। ये समझ लेना, अभी एक दिन का प्रोग्राम है, अगर सुबह तक फोर्स रही तो रविवार को 11 बजे फिर लाइव आऊंगा। राकेश टिकैत ने कहा ये बीजेपी वालों की दी गई जिंदगी नहीं है, ना यह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आदमी है कि आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे, किसी के यहाँ भी फोर्स रही तो ट्रैक्टर से किसान निकलेगा। टिकैत ने कहा किसान ट्रैक्टर से निकलेगा तो वह फिर एक दिन के लिए नहीं निकलेगा, अगर किसान ट्रैक्टर लेकर निकला तो जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा तब तक वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को डर लगता है वह अपना इस्तीफा दे दें और पुलिस वालों के डर से अपने घर पर रहें। बता दें टिकैत की चुनौती के बाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन की होने वाली मीटिंग के लिए पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। पश्चिमी जिले के सभी कप्तानों ने ऑफिस
कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों को भी सुबह 7 बजे ड्यूटी पर बुलाया है। आज बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने के समर्थन में खापों के ऐलान के बाद किसान यूनियन से जुड़ी महिलाएं दिल्ली के लिए कूच करेंगी, जिसके लिए पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।